सवाल ये कि मैं ना एक्चुअली आपके मूवी के पोस्टर्स चेक कर रहा था। मैंने काफ़ी मूवीज़ के देखे, जुबान का पोस्टर देखा, स्कार्स का देखा, एडमिटेड का देखा, तो उन सब में एक चीज़ मुझे कॉमन लगी कि जब अवार्ड्स आते हैं तो उनके लिए स्पेस होती है। तो अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो एडमिटेड को अकेला 14 अवार्ड्स मिले हुए हैं, है ना। तो जब आप पोस्टर बनाते हो, क्या आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि अवार्ड जाएंगे तो यहाँ लगाएंगे तो जगह छोड़ेंगे, या ये कुदरती हो जाता है? नहीं, हो तो कुदरती ही होता है, ऐसा कुछ प्लान नहीं होता। बट ये कि पोस्टर बनाने के लिए एक पोस्टर को शूट करने का प्रोसेस ही डिफरेंट होता है, या हमें कुछ रशेस निकालने पड़ते हैं फिल्म में से, कि जो हमें लगता है कि हाँ ये एक आइडल एक इमेज है जो पूरी फिल्म को का एक एसेंस है वो शो कर सके। मे बी वी हैव बीन फॉर्चुनेट इन दैट केस। एक तो इतने जो अप्रिसिएशन मिलता है अवार्ड्स के थ्रू उसमें भी, और फिर उनको लगाने की जगह बन जाती है। अब वो तो फिर पोस्टर नया बन जाएगा, तो उसमें क्या है। और भी हम कुछ मज़ेदार लेके आए हैं, और वो है हमारा RFE ऑफिशियल मर्चेंडाइज। उसका लिंक जो है आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जहाँ पे भी ये वीडियो देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होगी तो वो लिंक भी आपको साथ में मिलेगा। जी, सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट का जितना भी कॉन्टेंट है, जितनी भी मूवीज, पॉडकास्ट, टॉक शोज, सारा कुछ अब आपके लिए अवेलेबल है देखने के लिए rollingframesentertainment.com पर। और ये बिल्कुल फ्री टू वॉच कंटेंट है। बहुत कुछ आने वाला है RFE की तरफ से। ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे ट्यून्ड इन एंड देखते रहो, जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, जो भी अनाउंसमेंट होती रहती हैं, उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आस्क ओजस्वी।